स्टूडेंट्स, आई एम दीप्ति रंगनानी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर रियल गैस एंड इन्वर्जन टेम्परेचर। पिछले लेक्चर्स में हमने जूल थॉमसन कोफिशिएंट का अध्ययन किया था और उसका मान हमने आदर्श गैस के लिए निकाला था। आज हम जूल थॉमसन गुणांक का मान रियल गैस के लिए निकालेंगे और इन्वर्जन टेम्परेचर का मान निकालेंगे। सामान्य और कम दाब पर कमरे के ताप पर हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर सभी गैसें जूल थॉमसन गुणांक के जो मान होते हैं वो धनात्मक होते हैं। मतलब गैसों के सरंध्र प्रसार में ताप घटता है और बहुत उच्च तापों पर सभी गैसों के जूल थॉमसन गुणांक जो हैं वो ऋणात्मक होते हैं। अतः प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप अवश्य होता है जो कि जूल थॉमसन गुणांक का चिन्ह बदलता है और इस ताप को ही व्युत्क्रमण ताप कहते हैं और इस ताप पर म्यू जेटी का मान जीरो होता है। अब हम रियल गैसेस के लिए जूल थॉमसन गुणांक की गणना करेंगे। इसके लिए हम रियल गैस इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे कि दिखाई गई है इक्वेशन पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसको हम लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल्स टू आर टी माइनस ए अपॉन वी प्लस ए बी अपॉन वी स्क्वायर। अब चूँकि ए और बी वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स हैं, उनके वैल्यूज़ बहुत कम होती हैं, इसलिए अब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका बहुत कम मान प्राप्त होता है। इसलिए ए बी अपॉन वी स्क्वायर के मान हम उपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं पी वी इक्वल टू आर टी माइनस ए बाय वी प्लस पी बी। तो वी और इसमें से अगर हम वी निकालें तो वी इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन पी माइनस ए अपॉन पी वी प्लस बी के बराबर आएगा, क्योंकि हमने इसको पी से डिवाइड कर दिया है। अब हमें पता है कि एक मोल आदर्श गैस के लिए इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू आर टी होती है। तो हम वी इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर टी अपॉन पी माइनस ए अपॉन पी वी की जगह आर टी लिख दिया प्लस बी। अब हमने इस इक्वेशन समीकरण में ताप के संदर्भ में स्थिर ताप दाब पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जो इक्वेशन है वी इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी माइनस ए अपॉन आर टी प्लस बी, इसको हम कॉन्स्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के संबंध में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी डेल्टा वी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू आर अपॉन पी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। अब इस समीकरण को हम पुनः व्यवस्थित करेंगे और आर टी का मान निकालेंगे। आर टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा पी इज पी इंटू वी माइनस बी प्लस ए पी अपॉन आर टी। और अब हम आर अपॉन पी की वैल्यू निकालेंगे तो आर अपॉन पी इज इक्वल्स टू वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर आ जाएगा। अब इस R अपॉन टी का जो R अपॉन पी का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 64 में, तो हम डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर लिख सकते हैं V माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर, दोनों मिलकर के 2A अपॉन आर टी स्क्वायर हो जाएंगे। और उसके बाद हम इस इक्वेशन में T डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं इज इक्वल टू वी माइनस बी प्लस टू ए अपॉन आर टी। और यहाँ हम वी को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएँ तो टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस वी इज इक्वल टू टू ए अपॉन आर टी माइनस बी आ जाएगा। अब इस इक्वेशन जो इक्वेशन 55 थी उसके अनुसार हमें पता था कि डेल टी अपॉन डेल पी एट एच क्या होता है, मतलब जो म्यू निकाला था हमने वो है माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अपॉन सी पी। तो निम्नलिखित जो ये इस तरह का जो ऊर्जा इस ऊष्मा गतिक व्यंजक का उपयोग हम इक्वेशन नंबर 55 में करेंगे और हम वी का मान निकालेंगे। तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा टी डेल वी अपॉन डेल टी एट पी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट टी। और इससे हम निकाल सकते हैं डेल टी अपॉन डेल टी एट एच इज इक्वल टू वन अपॉन सी पी टी डेल वी अपॉन डेल टी एट पी माइनस वी। और अब हम ये इक्वेशन को अगर हम 66 और 67 के द्वारा हम कंपेयर करके लिख सकते हैं डेल टी अपॉन डेल पी एट एच इज इक्वल टू वन अपॉन सी पी टू ए अपॉन आर टी माइनस बी। और इसको हम जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि डेल टी अपॉन डेल पी एच एच क्या है, म्यू जे टी है, तो म्यू जे टी इज इक्वल टू वन अपॉन सी पी टू ए अपॉन आर टी माइनस बी के बराबर होगा। अब इस जो समीकरण में अगर हमारे पास सी पी ए और बी के टी के मान ज्ञात होने पर हम म्यू जे टी का मान ज्ञात कर सकते हैं, और अगर टू ए इज अपॉन आर टी इज ग्रेटर देन बी है तो म्यू जे टी का मान पॉजिटिव होगा, और अगर टू ए अपॉन आर टी इज लेस देन बी है तो म्यू जे टी का मान नेगेटिव होगा। तो जिस टेम्परेचर पर म्यू जे टी का मान और चिन्ह उस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है जिस पर प्रसार किया जाता है, और म्यू जे टी का मान केवल ताप पर निर्भर करता है। तो हम
वन अपॉन सी पी टू ए अपॉन आर टी माइनस बी वाले फैक्टर को जीरो के बराबर लगते हैं, मतलब म्यू जे टी को जीरो के बराबर लगते हैं, वही टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर के बराबर होगा। और यहाँ से अगर हम इन्वर्जन टेम्परेचर निकालें तो हमें प्राप्त होता है 2A अपॉन आर टी आई इज इक्वल टू बी, इसका मतलब आर टी आई इज इक्वल, इसका मतलब टी आई इज इक्वल टू 2A अपॉन आर बी। और किसी भी गैस का जो व्युत्क्रमण ताप है वो गैस के वॉन्डरवॉल कॉन्स्टेंट्स पर डिपेंड करता है, और किसी भी गैस के वॉन्डरवॉल कॉन्स्टेंट्स A, B और अगर R का मान ज्ञात हो तो TI का मान हम निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन और जो निष्क्रिय गैस है वो जूल टॉमसन प्रभाव के लिए एक्सेप्शन होता है, क्योंकि ये सामान्य टेम्परेचर पर प्रसारण में ठंडी होने की बजाय गर्म हो जाती है, परंतु निम्न ताप पर ये गैसें भी जूल थॉमसन प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। और हर गैस के लिए एक निश्चित ताप से निम्न ताप पर ही प्रसारित करने पर शीतलन प्रभाव प्रदर्शित होता है, और इसको ही हम व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। अब हम इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रदोष्म प्रक्रमों में अवस्था परिवर्तन क्या होता है, चेंज इन स्टेट इन एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे करते हैं। प्रदोष्म प्रक्रम इसका मतलब क्या है कि तंत्र जो है वो परिपार्श्विक से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है, और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हमें पता है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, क्यू इज इक्वल टू जीरो है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई होगा। अब हम अगर ताप और आयतन संबंध निकालते हैं तो इसमें हम लिखते हैं कि एन मोल आदर्श गैस का टेम्परेचर टी है और दाब पी है और आयतन वी है, तो इस गैस पर उत्क्रमणीय अवस्था में प्रसार होता है जो है वो प्रतिरोधी दाब पी के बराबर होगा, और इस दाब के विरुद्ध आयतन के डीवी परिवर्तन के लिए हम जो गैस का कार्य लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, डब्ल्यू इज इक्वल टू डी ई, तो हम लिख सकते हैं डी ई, क्योंकि रुदोष्म प्रक्रम है, रुदोष्म प्रक्रम में डब्ल्यू किसके बराबर होगा, डी ई के बराबर होगा, तो इसका मतलब डी ई इज इक्वल टू माइनस पी डी वी के बराबर होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन में समान है तो राइट हैंड साइड को हम इक्वेट कर सकते हैं। और एक मोल आदर्श गैस के लिए हम लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल टू सी वी डी टी, या और एन मोल आदर्श गैस के लिए हम लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। अब हम अगर एन सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी लिखेंगे तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी, हम लिख सकते हैं एन सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस एन आर टी अपॉन वी इंटू डी डी वी, तो सी वी इज सी वी डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर डी वी अपॉन वी। अब चूंकि प्रारंभिक अवस्था में टेम्परेचर T1 और आयतन V1 है तो अंतिम अवस्था में टेम्परेचर और आयतन T2 और V2 है, तो इक्वेशन इन सीमाओं का समाकलन करेंगे अगर हम, तो सी वी T1 से T2 तक dT अपॉन T इज इक्वल टू माइनस आर V1 से V2 तक dV अपॉन V, सी वी लॉग T2 बाय T1 हम लिख सकते हैं माइनस आर लॉग V2 बाय V1, फिर हम लिख सकते हैं सी वी लॉग T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू आर लॉग V1 अपॉन V2, इसको हम लिख सकते हैं लॉग T2 अपॉन T1 टू दी पावर सी वी इज इक्वल टू लॉग वी वन बाई वी टू की पावर आर। अगर हम लॉग हटाएं और एंटी लॉग लें तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं इक्वेशन को हम लिख सकते हैं टी टू अपॉन टी वन की पावर सी वी इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू की पावर आर, और हम लिख सकते हैं टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू की पावर आर अपॉन सी वी, और इसको हम लिख सकते हैं वी वन अपॉन वी टू की पावर आर की जगह सी पी माइनस सी वी अपॉन सी वी, या हम लिख सकते हैं सी पी अपॉन सी वी माइनस वन। अब हमें पता है कि सी पी क्या है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है, और सी वी क्या है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है, और इन दोनों का जो रेशो होता है वो गामा के बराबर होता है, तो टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू की पावर गामा माइनस वन, या हम इसको लिख सकते हैं टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन, या हम लिख सकते हैं टी वी रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जैसे हमने अभी रुदोष्म प्रक्रम में रुदोष्म प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन के लिए ताप और आयतन में संबंध निकाला है, वैसे ही ताप और दाब में संबंध निकाल सकते हैं, और इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, और यहाँ लिख सकते हैं हम रीअरेंज करके T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन P1 V1, अब इसको हम लिख सकते हैं P2 V2 अपॉन P1 V1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 गामा माइनस वन, तो हम लिख सकते हैं इसको कि P2 अपॉन P1 अगर निकालें तो हम लिखेंगे V1 अपॉन V2 की पावर गामा, और इसको हम लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, तो यह हम लिख सकते हैं पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम तीसरा जो रिलेशन इसमें हम आगे निकालेंगे वो है ताप दाब संबंध, जैसे हमने ये वाले अब हम निकालेंगे ताप दाब संबंध, मतलब रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके लिए फिर वापस से वही इक्वेशन यूज़ करेंगे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, इससे हम V1 अपॉन V2 की वैल्यू निकालेंगे P2 T1 अपॉन P1 T2। अब हम V1 अपॉन V2 का मान इक्वेशन नंबर 77 में रखेंगे तो
हमारे पास इक्वेशन आएगी T2 upon T1 is equals to P2 T1 upon P1 T2 की पावर गामा माइनस वन, और हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं T की पावर गामा P की पावर वन माइनस गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस आई हैं, पहले तो टी और वी में, दूसरी पी और वी में, तीसरी टी और पी में। फर्स्ट इक्वेशन टी वी रेस टू गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट, सेकेंड इक्वेशन पी वी रेस टू गामा कॉन्स्टेंट, थर्ड इक्वेशन टी की पावर गामा पी की पावर वन माइनस गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने सबसे पहले जूल थॉमसन जो इफेक्ट है उसमें जो जूल थॉमसन कोफिशियंट की गणना करी है वास्तविक गैस के लिए, उसके बाद हमने चेंज इन स्टेट इन एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब रुदोष्म प्रक्रमों में अवस्था परिवर्तन पढ़ा है, जिसमें कि हमने ताप आयतन संबंध, ताप दाब संबंध और ताप दाब संबंध और दाब आयतन संबंध हमने पढ़ा है। अब उसके आगे वाले जो लेक्चर हैं उसमें हम रुदोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य पढ़ेंगे, वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की अध्ययन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।